हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू अ रेसिपी ऑफ एकदम झकास एंड ट्रिगर्ड सैंडविच। यस, मैं ट्रिगर्ड सैंडविच बनाने वाली हूँ। आज मैं आप लोग के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी, तो इसी के साथ साथ रेसिपी स्टार्ट होने वाली है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यू नो गाइस, ऐसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। और बाय द वे गाइस, इसकी मैरिनेशन और इसके फ्राइज बड़े डिलीशियस से होने वाले हैं। और इसके अंदर हम बनाएंगे दो डिफरेंट सैंडविच सॉसेस, बड़ी यमी यमी एंड टेस्टी सी, तो ये अपनी खुद की क्रिएशन के साथ। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी चटपटी मज़ेदार सी ट्रिगर रेसिपी विथ योर ट्रिगर शेफ। तो गाइस, स्टार्ट करने वाली हूँ मैं रेसिपी। ये 1 2 3 एंड ठरक। चलो सब्सक्राइब करो, रेसिपी स्टार्ट करनी है। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी अपनी मैरिनेशन के साथ। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने चाहिए है दही, और दही चाहिए 1/2 कप ऑफ योगर्ट इन आ बाउल मैंने ले लिया है। और इसी के साथ साथ मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं, 1/2 टी स्पून बिल्कुल चुनमुना सा ऑयल, टर्मेरिक पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून, प्लस इसके अंदर पिंक सॉल्ट मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टी स्पून। और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तो चलो गाइस, अब इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। अपनी थोड़ी सी लेमन जूस 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया, और बस इसको जल्दी से मैरिनेट के लिए मिक्स कर रही हूँ मैं। और इसी के साथ साथ बड़ा डिलीशियस स्पाइसी लवर्स के लिए ये ट्रिगर्ड सैंडविच बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और बच्चों को भी पसंद आएगा आई थिंक, लेकिन स्पाइसी है। तो इट्स डन नाउ गाइस, चलो गाइस, चिकन चेस्ट पीस हमारे पास मौजूद है, इसको हैम करते हैं। और जल्दी से इसकी कटिंग कर दी है मैंने, ये देखो गाइस, डायरेक्ट छू अंदर एंड इसे मार्क्स लगा दिए हैं लाइक दिस, और कट करके। और जल्दी से अब इसको मैरिनेट करते हैं अच्छे से। पहले हम आधा घंटा इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे रेफ्रिजरेटर में, और उसके बाद हम मिलते हैं इससे। और इससे पहले मैं बना लेती हूँ जल्दी से ये पेपर गार्लिक सॉस। यस गाइस, मायोनीज मैंने ले लिया है 1/2 कप, और 1/2 कप मायोनीज में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा मिल्क 1 टेबल स्पून के जितना, और ताकि अच्छा सा बरकत हो जाए मतलब सॉस में, वैसे टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। और ये थोड़ी सी सॉस जो है हमारी मायोनीज जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा रखे ना, तो आप उसके अंदर मिल्क शामिल कर सकते हो अगर आपका मिल्क मायोनीज बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। ब्लैक पेपर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसके साथ साथ 3 क्लव्स ऑफ लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया चॉप करके, और इसके साथ थोड़ा चुना मुन्ना सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर मैंने इसमें शामिल किए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे गाइस, और बस हमारी ये सॉस जो है मायो पेपर गार्लिक सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी गाइस। तो ये देखो गाइस, बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है हमारी, डन। और एक काम करते हैं, अब दूसरी सॉस स्टार्ट करते हैं। दूसरी सॉस का नाम है बारबेक्यू सॉस प्रिपरेशन। तो गाइस, बारबेक्यू सॉस प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिया है टोमेटो केचप एज रिक्वायर्ड, मैंने लिए थोड़ी सी मतलब तकरीबन 1/2 कप ऑफ टोमेटो केचप। चिल्ली पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टी स्पून, चिल्ली सॉस इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, एंड वर्कस्टर शायद सॉस में शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, जो उसकी चार चांद लगा देगा इसका फ्लेवर में। विनेगर हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स जैसे हमने पहले वाली सॉस में डाले थे, और बस गाइस ये बन गई है, मिक्स कर लो इसको अच्छे से। और बस ये हमारी ये जो गुट्ठल शुट्टल दिख रहे हैं ना, ये नहीं होने चाहिए लाल मिर्च के, और इसको बस कोशिश करना कि जब आप स्टिर कर रहे हो ना उसी वक्त डालो, मैंने पहले डाल दिया तो देखो गाइस थोड़ा मुश्किल हो रही थी। बारबेक्यू सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, तो गाइस चलो अब हम चलते हैं अपनी दोनों सॉसेस की तरफ। तो गाइस ये हमारी दोनों सॉसेस बिल्कुल रेडी शेडी हो चुकी हैं, एज़ यू कैन सी गाइस, हमारी क्विक बारबेक्यू सॉस बिल्कुल डन हो चुकी है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस आगे की रेसिपी के लिए। तो गाइस ये हमारी मैरिनेशन बिल्कुल डन हो चुकी है, आधे घंटा हो चुका है बिल्कुल, आधे घंटे बाद हम दिखा रहे हैं। ग्रीस किया हुआ मैंने एक ओवन ट्रे ली है, और इसके ऊपर बस अपनी ये चिकन रखी, और इसको 180 डिग्री पे बेक कर रहे हैं हम लोग जल्दी से। तो गाइस ये देखो बेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा लग रहा है चीज़ मेल्ट हो रहा है, बट ये चिकन है और चिकन पे मैरिनेशन है और नथिंग एल्स। तो गाइस हमारी ये चिकन बिल्कुल रेडी होने वाली है 10 मिनट के बाद, ये देखो गाइस हमारी चिकन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब हमें इसको करना है एकदम श्रेड। और ये देखो गाइस थोड़ा सा कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी चिकन एकदम अच्छे से गल चुकी है, तो अभी हमें इसको रेशा कर देना है, रेशा करके सैंडविच के लिए बिल्कुल तैयार कर देंगे। इससे पहले मैंने एक और चीज़ का रेशा किया है, वो है हमारी कोल्सलो। तो कोल्सलो टाइम हमें बनाना है, तो चलो गाइस हमारे पास है ये जो पेपर गार्लिक मायो सॉस बनाई थी उसी के अंदर मैंने सारी कैबेज डाल दी, और ये कोल्सलो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस
आज के ट्रिगर्ड शेफ सॉरी ट्रिगर्ड सैंडविच में यही डलेगा। और ये रिमूव कर दिया मैंने ब्रेड की एडजेस। एज यू कैन सी गाइस हमारी ब्रेड बिल्कुल तैयार हो चुकी है मायो बनने के लिए, हो सैंडविच बनने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इस पर स्प्रेड करना है मायोनीज, सिंपल प्लेन मायो हमने डाल के हल्का शल्का सा, और सारी ब्रेड्स के ऊपर इसकी टॉप पे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। गाइस हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो मायो की है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है मायो को ब्रेड्स पे। जब तक थोड़ा टाइम लग रहा है तब तक मैं डालती हूँ। चलो मैं एक प्रिपेयर करके दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस जो मायो पेपर गार्लिक सॉस के साथ हमने जो कोल्सलो बनाया था वो मैंने इसके अंदर कर दिया है, रख दिया। आप चाहो तो कोकम्बर्स रख सकते हो, ऐसे भी वैसे भी। और इसके ऊपर एक और ब्रेड रख दी और ब्रेड स्लाइस के ऊपर मायो लगा हुआ था ऑलरेडी। फिर मैंने अगेन इसके ऊपर कोल्सलो लगाया और ये हमारी जो चिकन श्रेडेड थी वो लगा दी है। और इसके साथ हम डालेंगे बारबेक्यू सॉस। एज यू कैन सी गाइस बारबेक्यू सॉस क्या मैट हो कि वाओ क्या लुक दे दिए इस ट्रिगर्ड सैंडविच में। बड़ा ही टेस्टी सा टेस्ट आने वाला है, आप लोग को तो ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस बस अब अगेन हमने इसको कवर अप करना है अनदर ब्रेड स्लाइस से और बस हमारी ये डिलीशियस ट्रिगर्ड सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑल्सो हियर आर सम फ्रेंच फ्राइज जो मैंने चुपके से तैयार करके बिल्कुल सिंपल प्लेन मैंने इनको फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो गाइस अभी हमारे पास ये फ्राइज तैयार हो जाए तो हम इसके साथ अच्छी सी डेकोरेट गार्निशिंग कर देंगे। तो गाइस ट्रिगर सैंडविच इज ऑलमोस्ट रेडी एंड फ्राइज भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये मैंने सॉसेज भी सजा दी हैं। तो गाइस इसी के साथ साथ हमारी बहुत ही अच्छी सी ट्रिगर सैंडविच की रेसिपी एकदम डन डना डन डन हो चुकी है। और गाइस बाय द वे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना और चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब कुछ कर दो और बस ब्लॉक नहीं करना। हाँ हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।